हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद कुर्बान अली और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड, आज बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद सितंबर अक्टूबर से पहले ही आया था एक अपडेट रेडमी नोट 3 में। उसके बाद अब तक अपडेट नहीं आया है और मेरे पास भी MI का ही फ़ोन है रेडमी नोट 3। बहुत ज़्यादा परेशानी थी और बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम था, तो फाइनली एक न्यूज़ आ चुकी है, तो आप भी देख लीजिए। मैं गूगल पे जाके आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी गूगल से ही ये न्यूज़ देखा था और NDTV वालों की न्यूज़ है ये। और इसमें बताया जा रहा है कि Xiaomi Redmi Note 3 स्टार्ट रिसीविंग MIUI 9 ग्लोबल स्टेबल रोम, और MI Redmi Note 3 का फ़ोटो भी दे रखा है इसमें और लिखा हुआ आर्टिकल में। आर्टिकल को पहले सही होने दीजिए, फिर मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है इसमें। यहाँ से द रोल आउट ऑफ द रेडमी नोट 3 MIUI 9 ग्लोबल स्टेबल रोम वास अनाउंसड ऑन द MIUI फोरम स्पेसिफाइंग द MIUI 9 2.4.0 वर्जन। द अनाउंसड एड्स दैट इट्स माय टेक बिटवीन। इसका कहना है कि अनाउंस हो चुका है 48 से 72 घंटे के अंदर में Redmi Note 3 जितने भी मोबाइल होगा स्टेबल पे उस सब में आ जाएंगे।